हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज मोमोज की रेसिपी और उसके साथ खाने वाली चटनी। तो आइए चलो इसको बनाते हैं। तो इधर देखिए, मैंने 10-12 मिर्ची ली है और 4-5 टमाटर लेके उनको उबालने के लिए डाल दिया। इधर मैदा लिया मैंने, इसमें नमक डाल के और इसका हम रोटी वाला आटा गूंद लेते हैं। आटा अच्छे से लगाना है हमें, एकदम चिकना चिकना कर लेना है और बहुत टाइट आटा नहीं लगाना, जैसे अपन रोटियों के लिए लगाते हैं सॉफ्ट आटा लगाना है इसका। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा हार्ड होगा तो मोमोज की स्टफिंग है ना वो बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। अब देखिए इसको, आटा लगा लिया हमने, इसको अब ढक के हम रख देते हैं इसको। अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो क्या करेंगे, हम पत्ता गोभी लेंगे और उसको इस तरह से लंबे 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 पतले पतले टुकड़े काट लेंगे इस तरह से, देखिए। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, फटाफट से बनते हैं इस तरह से, देखिए। तो एक पत्ता गोभी का ये फूल था तो ये ले लिया। इधर मैं लहसुन छील रही हूँ, तो लहसुन भी इसमें काफ़ी गिरता है, चटनी में भी गिरेगा और इसमें भी गिरेगा मोमोज में। अब ये मैंने 2 शिमला मिर्च ली है, इसको भी देखिए बारीक ऐसे काट लेना है लंबा लंबा इस तरह से। तो शिमला मिर्च का भी इसमें टेस्ट अच्छा आता है इस तरह से। तो ये देखिए, हमने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च काट लिए। इधर हमें ये चेक कर लेंगे, देखिए ये भी अच्छे से उबल गए, ये टमाटर का छिलका हटने लगे, इतना उबालना है ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर मैं प्याज भी काटूंगी, ये 2 प्याज लिए मैंने बड़े, और इसको भी लंबा लंबा काट लेंगे इस तरह से। तो ये सारी वेजिटेबल हमने काट लिए, इसको धो के और रख दिया। अब क्या करेंगे, हमने ये लहसुन लिया, इसको भी हम बारीक काट लेंगे और थोड़ी मिर्ची भी लेंगे, मिर्ची को भी बारीक काट लेंगे। मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जैसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो कम डाल सकते। इधर कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, जब तक ऑयल पके जब तक मैं क्या करूँगी, ये मिर्ची के डंठल निकाल लेंगे और ये टमाटर का छिलका भी उतार लेंगे इस तरह से। उबलने पे आसानी से निकल जाता है इसका डंठल, सॉफ्ट हो जाती है ना, एकदम सॉफ्ट हो गई ये मिर्चियाँ, तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा चटनी में। और ये देखिए छिलका हमें बिल्कुल निकाल देना है, छिलका नहीं रखना। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा राई डालिए, अब ये लहसुन और मिर्ची डाल देंगे इसमें। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करते हैं इस तरह से। अब इसमें हम इतना ही रखना है, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना हमें। अब ये जो भी हमने सब्जी काटी थी, शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी, इसको भी हम मिला लेंगे इसमें, और इसको भी हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अब इधर देखिए, मैं चटनी के लिए ये मैंने सारे सामान इसमें, मिर्ची और ये टमाटर छिलके हटा के, डंडल हटा के मिर्ची का, और लहसुन डाला इसमें खूब सारा लहसुन डाल के, नमक डाल के, और इसको हम बारीक सा पीस लेंगे। अब इधर देखिए, ये हल्का सा सॉफ्ट हुए हमारे वेजिटेबल। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10-12 काली मिर्च लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने कूट लिए एकदम फ्रेश, तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये भी हमने इसमें मिला दी, अब ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई बिल्कुल। अब गैस बंद कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, अब इसको ठंडा होने देंगे। इधर देखिए चटनी एकदम तैयार हो गई, हमने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अगर आपको गाढ़ी चटनी लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो आप,
और ये ज़रूरी नहीं कि मोमो के साथ खाएं इसको, मोमोज के साथ खाएं, आप ऐसे भी खाओ रोटी पराठे के साथ, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इधर देखिए हमने एक पूड़ी बेल ली पतली सी, हम मैदा का जो आटा लगाया उससे, और इस तरह से मोमोज बना लिए थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डाल के। इस तरह से कोई भी शेप दे सकते हो आप, बनाना बहुत आसान है। इस तरह से देखिए पतली पूड़ी बनानी है, हमें मोटी नहीं रखनी, नहीं तो मोमोज बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। पतली बनानी है और देखिए जितना आ सके इसमें इतना ही डालना है, ये भरावन ज़्यादा नहीं डालना और कम भी नहीं डालना। इस तरह से फोल्ड कर करके एक इस तरह की शेप दे देना है। तो देखिए मैंने कई आपको ऐसे कर करके बता दिए, तो आराम से आ गया होगा अभी आपको। तो ये देखिए मैंने काफ़ी मोमोज बना दिए, तरह से ही बनाना है। तो मैं ये सारे स्टफिंग के मोमो बना लेती हूँ, अभी बहुत सारे बन जाएंगे इसमें। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये स्टीमर रखेंगे, उसमें पानी डाल के और उबालने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो तो ऐसे ही कढ़ाई लो और उसके ऊपर छन्नी रख के भी आप स्टीम कर सकते हो, और स्टीमर हो तो स्टीम उसमें कर दो। तो ये देखिए मैंने इसमें पहले तो ना ऑयल लगाया इसके ऊपर और पानी अच्छे से उबल गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें ऑयल लगाएंगे ज़रूर, नहीं तो चिपक जाएंगे इसमें। और एक एक ऐसे सटा के भी नहीं रखना, थोड़ा दूरी पे रख के ऐसे रख देना है इनको। तो 15-20 मिनट में एकदम तैयार हो जाएंगे ये, जब तक मैं और बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं ना, इसमें से मतलब भरावन भी दिख रहा है। ऐसे ही इसको ये देखिए एकदम से तैयार हो गए ये हमारे मोमोस। ऐसे इनको ऐसे हला हला के और स्टीम कर लेना है, थोड़ा एकदम चिपके नहीं, हाथ में ऐसे, हाथ में ऐसे करके देखेंगे ना तो जैसे चिपकेंगे नहीं, तो यूँ समझ लो ये तैयार है। तो ये एकदम हमारे तैयार हो गए, तो अब हम इनको सर्व करने के लिए रखते हैं। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार चटनी और मोमोज तैयार हैं, और बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो वीडियो दोस्तों अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मोमो की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी मोमोज बनते हैं ये। बाय बाय।